नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टेस्टी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूँ आपके साथ में डीआई। नजर डालते हैं आज की खबर पे। 500 साल पुराने पीपल के वृक्ष में गणपति की मिली आकृति। चंदौली जनपद के सवैया महलवार में लगभग 500 साल पुराने वृक्ष के खोखले में गणेश जी की अपनी आप बनी आकृति पाई गई। आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर स्थित खोखले में उक्त आकृति पाई गई। ग्रामीणों के अनुसार गांव के कुछ बच्चे उधर खेलकूद के लिए गए हुए थे, तो अचानक एक बच्चे को उक्त खोखले में किसी जानवर के होने का आभास हुआ। बच्चे डर कर वापस गाँव में भागे और सबको बताया। ग्रामीणों के द्वारा लंबी सीढ़ी लगाकर उसमें देखा गया तो उसमें गणेश जी की स्पष्ट आकृति दिखाई पड़ी। देखते देखते वहां आसपास के लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। जयकारे लगने लगे, लोग पूजन अर्चन करने लगे। आसपास के लोगों का कहना है कि यहां जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। धीरे धीरे उक्त स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। अक्सर वहां पर लोगों द्वारा धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उक्त स्थान पर गणेश जी की भव्य मंदिर बनवाया जाए। साहबगंज से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम बालेश्वर सिंह है, मैं ग्राम प्रधान हूँ। किस ग्राम के? सोया महलवार है। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? जिला में पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ क्या मामला है? ये पीपल का पेड़ है और 500 साल पुराना पीपल का पेड़ है, जिसमें से हम लोग भी इसी रास्ते से बराबर आते जाते रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन हुआ ऐसा कि कुछ बच्चे जो यहाँ खेल रहे थे और जब कुछ उसमें देखे, एक अजीब सा जैसे लग रहा था कि हम लोग भी सब जानवर देखे नहीं, वैसे भी लग रहा था कोई जीव जंतु उसमें से झांक रहा है। तो हम जो बच्चे थे दौड़ करके हमारे पास आए, नज़दीक ही हमारा घर है, दौड़ करके आए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें एक अजीब ढंग का जो है जानवर दिखाई दे रहा है। तो हमने भी दौड़ करके और हमारे साथ लोग जो थे सभी लोग आए देखे वहाँ पर के, तो उसमें पत्ते से थोड़ी ढकी हुई थी चीजें। तो हमने जो है लगा करके सीढ़ी जो है वहां पहुंचे। पहुंचकर जब देखा उसमें तो लगा कि जानवर तो मैं नहीं मिला, लेकिन एक गणेश जी की प्रतिमा जो है दिखाई दी। प्रतिमा की आकृति दी, पूरी बनी हुई है वृक्ष में ही बनी हुई है। अच्छा, और खोखले के अंदर है। प्राकृतिक रूप से बनी है जो कि 500 साल पुरानी है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ जा करके कोई बनाया हो उसे? नहीं, उसमें से कोई शिल्पकार भी जो ऐसा कुछ करना चाहेगा जिस प्रकार से है उस प्रकार से उसमें कोई ऐसा बना ही नहीं सकता, कितना हो कलाकार हो। बनाने की संभावना नहीं है, न तो यहाँ कोई उसमें जो बना हुआ आकृति न तो कोई छेड़छाड़ हुई। तो फिर गांव वाले जुटे होंगे? पूरा गांव जुटा, पूरा इलाका जुटा, सब लोग 10 गांव के लोग एकत्रित हुए देखे सब। तो यहाँ कुछ मान्यताएं भी हैं कि अगर यहाँ मान्यता गणेश जी से मानी जाती है तो कुछ है देखने को मिला है कि बहुत लोग आते हैं कि हमने जो है ऐसी चीज की है जो हम लोगों को जो है आने पर जो सिद्ध हुआ है, यहाँ लाभ हुआ। हाँ, लाभ हुआ है। कई लोग जो यहाँ करके कीर्तन भजन पूजा जो भी होता है करवाते रहते हैं, मन्नत मांगते रहते हैं पूरी होती है एकदम। आइए हम लोग चाचा जी से बात करेंगे, यहाँ पे बुजुर्ग हैं। बताए चाचा, क्या मामला है यहाँ पे? जिस तरीके से साक्षात दर्शन श्री गणेश जी का हुआ है, इसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? गणेश जी का आकृति जो है सब देख के हम बड़ा खुश भैली। अब का विशेष योगी बोले भगवान की जय। बड़े गणेश भगवान की जय। कोई दिक्कत ना कहीं से रहे सब लोग। मेरा नाम बालेश्वर सिंह है, मैं ग्राम प्रधान सोया महलवार का रहने वाला हूँ। प्रधान जी, यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पे बच्चे जो है खेल रहे थे, अचानक वहाँ पे जो है एक प्रकार का दूसरे ढंग का एक जानवर विचित्र उसमें दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद बच्चा जो है बच्चों ने हल्ला किया कि जो है इसमें कोई चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है, और हम लोगों को बताया कि आप लोग चल करके आप लोग भी देख लीजिए। तो हम जब बच्चों की बात सुन करके यहाँ के दौड़ करके आए देखे तो पता लगा कि अंदर कुछ है। तो हमने जो है गांव से जो है इस थोड़ा ऊंचाई यहाँ की ज़्यादा है पेड़ की, और ये 5 साल पुराना पेड़ है और 100 साल जो है पुराना पेड़ है, उसको जो है हमको एक रंग से लगा कि कुछ अंदर उसमें है। तो हमने गाँव के लोगों को बुलवा करके
उसमें जो है एक सीढ़ी लगा करके जब उस पत्ते को हटवाए तो देखा कि यहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ है, जिसमें कि गणेश जी का जो है एकदम आकृति जो है पूरी तरह से उभरी हुई है, जिसमें से ये लग रहा था कि जैसे एक दैविक शक्ति अपने आप जो है यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। और उसमें एक और खूबी हमने देखा, जब वहाँ पर जो है भजन कीर्तन सभी लोग आए, तमाम लोग गांव के लोग भी एकत्रित हुए, एकत्रित होने के बाद जो हमने देखा कि गणेश जी में एक अलग प्रकार की, उसमें जैसे लग रहा था कि उनकी जो लीलाट थी उनकी, जैसे एक चांदी का जो एक जो उसमें उसकी जो परत होती है उस प्रकार से उसमें से जैसे मढ़ा गया हो, और उसमें जो है जैसे आँख उनकी है, सूंड जो बनाया गया, जैसे एक कलाकार भी उतनी बढ़िया चीज, जैसे हम लोग मानते हैं कि नहीं ऐसे ही जो है गणेश जी रहे होंगे। ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।